कर्नाटक के बीदर जिला के औरादी तालुका में अहिल्याबाई होलकर भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर खंडोबा मंदिर से होते हुए बस स्टॉप से होकर अहिल्याबाई होलकर स्मारक भवन तक एक बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर हटकर समाज के अध्यक्ष बलभीम नायक, राजकुमार नायक, कार्यदर्शी बालाजी राव नरोटे, इन लोगों की ओर से भूमि पूजन किया गया। और इस अवसर पर हटकर समाज के अध्यक्ष बालाजी राव नायक, उपाध्यक्ष धोंडीबा नरोटे, कार्यदर्शी राजकुमार नायक, कटराव डोंबाड़े, अंगद राव चुंदाड़े, हिप्पलगांव बालाजी नरोटे, उमेश नायक सावरगांव, सभी हटकर समाज के कार्यकर्ता और महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। इस अवसर पर उमेश नायक सावरगांव ने मीडिया से इस संबंध में बात की। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। अहिल्या देवी माता होलकर जी के नाम से जो भवन बनाए जा रहे हैं, जो हमारे हटकर समाज के लिए एक पहचान होगा, और इसके लिए हमने आज खंडोबा मंदिर से शुरुआत करके बस स्टैंड होते हुए अहिल्या देवी माता होलकर भवन की तरफ, बोले तो जो नियोजित जगह है वहाँ तक पूरी रैली निकाल के पूरे हमारे समाज के लोग वहाँ तक गए और वहाँ जाके पूजा करके समाज का जो क्या बोलते निर्माण का भवन के निर्माण के लिए जो कार्यक्रम रहता है उसकी पूजा करके वहाँ सब पूरे समाज बांधव जमा हो गए और वहाँ पे एक कार्यक्रम किए हैं जो अहिल्या देवी माता होलकर है, जो कि हमारे हटकर समाज के लिए एक दीप स्तंभ की तरह है। मतलब हमारे समाज में जो जागृति और समाज प्रबोधन किया है उसी तरह का समाज प्रबोधन हमारे तालुके में होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा हटकर समाज औरत तालुके में बहुसंख्या होने के बावजूद भी बहुत पिछड़ा हुआ है और समाज की खुद की कुछ पहचान नहीं है। ये भवन के निर्माण की वजह से पूरा समाज जो है एकजुट होकर उनकी अपनी खुद की एक पहचान बन जाए, ये इसकी पीछे की एक वजह है। और ये जो समाज के लिए एक जगह हमारे जाने पर समाज के प्रबोधन के लिए और समाज के एकजुट होने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और हमारे समाज बांधव जो कि तकरीबन 20 गांव में बहुसंख्या इसमें है, वो पूरे समाज बांधव आके आज का कार्यक्रम हमारा पूरी तरह से सफल हुआ है और सफल होके आगे जाके पूरी तरह से अच्छा भवन निर्माण करके समाज प्रबोधन के लिए और समाज के कार्यक्रम करने के लिए ये जो भवन हम निर्माण करने जा रहे हैं इसमें हम पूरी तरह समाज का योगदान चाहते हैं। समाज केवल हटकर समाज ही नहीं, बाकी समाज को साथ लेकर भी हम पूरे समाज का प्रबोधन करना चाहते हैं। इसके लिए और जो अहिल्या देवी माता होलकर ने देश के लिए जो काम करने का निश्चय किया है और इसीलिए पूरी बहुसंख्या में समाज आके ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल किया है, इसलिए मैं पूरे समाज बांधव का हमारे आयोजक समिति की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आप सभी प्रेस वालों का भी हमारे समाज की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि कार्यक्रम में आके आपने हमारा हौसला बढ़ाया है। इसीलिए मैं डॉक्टर उमेश नाइक सावरगांव और हमारे सभी साथी लोग, हमारे समाज बांधव, इनकी तरफ से फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।